हेलो दोस्तों, अगर आप तेजी से अपना फैट कम करना चाहते हैं और पेट के सभी समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैद्यनाथ मधोहर गूगल के बारे में और जानेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है, किस तरह से आपको इसको यूज करना है और क्या क्या फायदा करता है। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मनोहर गूगल बैजनाथ कंपनी का आता है जो कि गूगल चित्रकुमुल और नागर मोद से मिलकर बना होता है, जो कि एक जबरदस्त फायदेमंद होता है वजन घटाने के लिए। दोस्तों, ये आपको अलग अलग कंपनी की भी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन बैद्यनाथ का रिजल्ट देखना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो 225 रुपीज का है और इसमें 120 टैबलेट्स आती हैं और ये आपको किसी भी हर्बल स्टोर या फिर ऑनलाइन पे अवेलेबल हो जाएगी और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से भी इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसमें सौंठ, मरीका, पीपल, चित्रकमूल, नगरमुठा, हरितकी, बहिरा, आंवला, बेदांग, घिगुलू, कैस्टर ऑयल, अरंडेल। दोस्तों, बहुत अच्छे फॉर्मूले के साथ तैयार की गई है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना होना, खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना हो पाना, थायराइड ग्लैंड हार्मोनल का इम्बैलेंस होना, जेनेटिक प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम्स होना और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बात करते हैं जो बैद्यनाथ मधोहर गूगल है वो किस तरीके से हमें बेनिफिट्स करता है। सबसे पहले फायदे की बात करें तो ये जो वेट लॉस है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वेट को लॉस करने में। आपका डाइजेशन ठीक करता है, यानी कि इम्प्रूव करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसके फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका पेट अच्छे से साफ रहता है, जिसकी वजह से वेट भी नहीं बढ़ता है, वो कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा इसका दूसरा फायदा भूख को कंट्रोल करने में है, यानी कि अगर हमारा ओवरडाइट हो जाती है तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ सकता है। और तीसरे फायदे की बात करें तो ब्लड में जो हार्मफुल चीज़ें हो जाती हैं, फैट और जो इम्प्यूरिटीज वगैरह है, वो इसको ख़त्म कर देता है, यानी ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। अब फोर्थ की बात करें तो हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण भी वेट जो है वो बढ़ जाता है और इसका काम हार्मोन्स को बैलेंस करना भी है, तो इसीलिए ये हार्मोन्स को कंट्रोल करके वेट को बढ़ने नहीं देता है। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे, तो इसके साथ साथ जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के एक्सेसिव बॉडी फैट को डिक्रीज करती है और लेजीनेस और वीकनेस को भी दूर करती है। दोस्तों, मैदे और वटी डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है, जो कि वजन को कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और फैट को बर्न करती है। अब बात करते हैं आपको इसको यूज़ कैसे करनी है। आप इसकी टैबलेट्स एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में ले सकते हैं और ये 3-4 मंथ्स तक आप कंटिन्यू ले सकते हैं, उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगर आपको कंटिन्यू करनी है तो आप बीच में 15 या 1 मंथ का गैप देके उसके बाद वापस से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपको ये फ़ायदा नहीं दे रही है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसर्न जरूर करें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि इसको यूज़ करने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो तब होती है जब आप इसका ओवरडोज लेते हैं। तो आपको ओवरडोज नहीं लेनी है, जैसे कि दिन में 3 से 4 टैबलेट ले ली तो ये आपको नहीं लेनी है, आपको 1 से 2 टैबलेट लेनी है और प्रेगनेंसी में इसका यूज़ ना करें। तो दोस्तों, टैबलेट साथ साथ हमें कुछ बातों का ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें रूल्स और रेगुलेशंस का थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी, हाई प्रोटीन की फूड्स ज़्यादा खाएं, ओवरडाइट ना लें और तो और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, जैसे कि एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब जरूरी है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप ये टैबलेट्स ले रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में आप 1 लें, धीरे धीरे करके आप उसको 2 कर सकते हैं, तो इससे भी इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये मेडिसिन कैसी लगी। तो दोस्तों, एक बार फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।